Lively Weekends, Lively Weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात. जो भी खाए कहता जाए, Lively Weekends, Lively Weekends. जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन. एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने. उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे और जो जो अच्छी बातें, अच्छी नॉलेज आप इधर उधर से सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, उसको प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे. कहते हैं कि नॉलेज जहाँ से भी आप लें उसको फ़ौरन से एक्सपीरियंस करें, उसको प्रैक्टिस करें, अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, तभी आप उससे फ़ायदा उठा सकेंगे. आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं इधर उधर से, आप नॉलेजेबल बन सकते हैं, लेकिन आप वाइज तभी बनेंगे जब आप उसको खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे. यानी वो नॉलेज विजडम तभी बनती है जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं. हमारे शो के ज़रिए भी बहुत सारी बातें मैंने आपसे शेयर की हैं जो मैंने देखी, सुनी, पढ़ी और मैंने पर्सनली ख़ुद भी एक्सपीरियंस की. मैंने आपको बताया कि वाकई में सोच के हवाले से हमने बहुत सारी बातें की. थॉट पावर में कितनी ताकत होती है, सोल पावर को कैसे और पावरफुल बनाया जाता है, हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात की और शायद वो बातें जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करके आप लोगों के साथ शेयर किया वो ज़्यादा कन्विंसिंग होंगी आप लोगों के लिए कि हाँ मतलब ऐसा है, किरण के साथ हुआ है तो हम भी करके देखें. तो ये ज़रूर एक्सपीरियंस किया करें. फिर खाने पीने में कितना असर होता है और किस तरह से आप अपनी, अपने घर वालों की किस्मत, उनका नसीब, अपने हालात, अपनी ज़िंदगी, अपनी डेस्टिनी, अपना फ्यूचर बदल सकते हैं सिर्फ किचन के ज़रिए. जी अपने खाने पीने पे आप किस तरह की वाइब्रेशन दें, अगर आप प्योर पॉजिटिव ब्लेसिंग्स और दुआएं देकर खाने बनाते हैं और खाने खाते हैं, खिलाते हैं, उसका असर कितना होता है. अगर हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो इस बात पर यकीन कर लेंगे कि हाँ खाने पीने का असर होता है वाइब्रेशंस का, वो एनर्जी का आपके अंदर जाती है, आपके हालात बदलते हैं. और शायद कुछ लोग बोलें कि ऐसे ही बस कह रही है, अच्छा चलो सच भी कह रही होगी तो हमने कौन सा करना है. एक्सपीरियंस दोनों टाइप के लोगों को करना मस्ट है. क्या जा रहा है, खाना वैसे ही बन रहा है, पानी वैसे ही पीना है, वैसे ही आपने खाना है, तो क्यों ना उसको अच्छी दुआएं और ब्लेसिंग्स देकर खाया जाए और ये चेंज नोट किया जाए अपनी ज़िंदगी में. आज से ही शुरू करें, खाना बनाएं, किचन में जाएं, जिस तरह के हालात, जिस तरह की ज़िंदगी, जो चाहते आपकी हैं उनको इस तरह से आप वाइब्रेशन अपने खाने में डालिए कि जैसे वो ऑलरेडी आपको मिल चुकी हैं. अल्लाह का शुक्र अदा करके खाना बनाइए और खाइए और उसका असर देखिए. जिनसे जिस तरह के हालात चाह रहे हैं, ताल्लुकात चाह रहे हैं, प्यार मोहब्बत बॉन्डिंग चाह रहे हैं रिश्तों में, वो वाइब्रेशन डालकर देखिए. एक महीना करके देखिए, एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है. हमारे आज के शो का ज़रा हम आपको बताते चलें. आज बहुत ही मज़ेदार सा शो होने वाला है एंड आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा. आज दो लोग एक रेस्टोरेंट से आए हैं हमारे शो पर और ये रेस्टोरेंट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे देती हूँ. डिटेल में हम बाद में भी बात करेंगे. साल के करीब हुआ है इस रेस्टोरेंट को खुले हुए. कश्मीर रोड पर है ये और दी लाउंज के नाम से है. और यहाँ पर आपको ना सिर्फ कॉन्टिनेंटल खाने मिलेंगे बल्कि आपको लाइव बारबेक्यू वगैरह भी सब कुछ मिलेगा. और बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप है. अभी मैं इनका वो वीडियो देख रही थी, वो फुटेज देख रही थी. आई मीन एक तो आउटडोर सिटिंग वैसे ही अच्छी लगती है और आजकल मौसम भी ऐसा है तो आई थिंक सबको वहाँ जाकर एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए. आज हम उसके खाने यहाँ पर सीखेंगे और ख़ास जो कढ़ाई हम बाहर जाकर खाते हैं, ढाबे की कढ़ाई और हाईवे की कढ़ाई और फलां की कढ़ाई, आज वो वाली कढ़ाई हमें सिखाएंगे क्योंकि वहाँ से जो वहाँ के जो ख़ास बारबेक्यू जिन्होंने संभाला हुआ है या कढ़ाई सेक्शन संभाला हुआ है वो सलीम साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. और फ़ायज़ा हमारे साथ हैं. फ़ायज़ा देखते हैं सारा किचन का एंड कॉन्टिनेंटल फूड एंड सारा कुछ. तो ये दो लोग आए हैं दिल लाउंज से. वेलकम टू माय शो. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का. और फ़ायज़ा से मैं स्टार्ट करूंगी. फ़ायज़ा कैसा लग रहा है, कब से आप इस फील्ड में हो? मैं इस फील्ड में काफ़ी पहले से हूँ. अच्छा. मैंने जब अपना कौतम स्टार्ट किया डिप्लोमा. अच्छा. से तो मैं पहली वो स्टूडेंट थी जो अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर प्रैक्टिकल लेने के लिए चली गई थी. वेरी गुड. मैंने 6 महीने विदाउट एनी पे काम किया. अच्छा. ताकि जब मैं उस स्टेज तक पहुंचूं कि लोग मुझे पैसे दें तो 100% मुझे वो काम आना चाहिए. जबरदस्त.
तो फायजा आप द लाउंज में क्या क्या देखती हो? द लाउंज के अंदर हमारे पास दो सेक्शन है. हाँ. अच्छा, एक बारबेक्यू का सेटअप अलग है, आउटडोर भी है. अच्छा. वो आउटडोर है, मेरा थोड़ा इंडोर है. ठीक है ठीक है. अब उसके अंदर मेरे पास हॉट किचन है. हॉट हाँ. किचन के अंदर चाइनीज हो गया, कॉन्टिनेंटल हो गया, फास्ट फूड हो गया, जितने भी वहाँ पे मेंबर्स मेरे साथ काम करते हैं, जो टीम है उनको पूरा लीड करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बताना कि आपका ये काम है. इनको भी बताती रहती है? नहीं, इनका सेक्शन अलग है. हाँ, इनका सेक्शन अलग है, बताने की जरूरत नहीं है. आपको कितना साल हो गया कुकिंग करते? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हो गया 16-17 साल तो हो गया. और 16-17 साल में सबसे ज्यादा क्या बनाया है? ज्यादा कढ़ाई बनाई है. कढ़ाई बनाई है. और आज भी हम आपसे कढ़ाई सीख रहे हैं इंशाल्लाह. कौन सी कढ़ाई सिखा रहे हैं? आज हम आपको बनाएंगे इंशाल्लाह चिकन बलोची टिक्का कढ़ाई और मटन में खिलाएंगे शिनवारी. शिनवारी वाली? ये शिनवारी मतलब हर कोई रेकमेंड करता है, ये शिनवारी जरूर आप खाएं ना. कई रेस्टोरेंट्स भी ऐसे खुले हैं, तो ये आप वहाँ पर दिलाउंज में भी बना रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब बना रहा हूँ मैं ये वहाँ पे. और वो कढ़ाई लेकर आए? जी सब कुछ लेके आए. वेरी गुड. आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा ताल्लुक है जिला मुल्तान से. अच्छा, और कराची में कब से? कराची में मुझे हो गया, मैं 2002 में आया हूँ. तब से आप कढ़ाइयाँ बना रहे हैं? बना रहा हूँ. ओहो, किसी ने आपको कढ़ाई बना कर खिलाई है? अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं. अच्छा, खाते हैं, मैंने कहा सबको खिलाते हैं ये. अच्छा जी, हम ऐसा करते हैं, हमारे पास क्योंकि इटालियानो है, बेकिंग हमने स्टार्ट करनी है, तो हम उससे शुरुआत करते हैं और फिर ब्रेक लेते हैं. फायजा, हम आते हैं यहाँ पर किचन की तरफ और आज हम इटालियानो जो है वो उसका हम क्या बना रहे हैं आज? कौन सा है ये फ्लेवर? ओके, डबल मिल्की चॉकलेट है. केक मिक्स रेसिपी है और ये इटालियानो एक ऐसा ब्रांड है जिसमें आपको बेकिंग के हवाले से तमाम आइटम्स मिलेंगे. इसके अलावा इनके इटालियन हर्ब्स वगैरह हैं जो इजीली अवेलेबल होते हैं तमाम मार्केट में और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे और बहुत अच्छी क्वालिटी आपको मिलती है. कोको पाउडर हो, इनकी कैस्टर आइसिंग शुगर हो, चॉकलेट चिप्स हो, कुकीज़ वगैरह, और ये मिक्सेस ने तो बहुत ही आसान कर दिया. उसके अंदर आसानी, कुछ भी नहीं करना पड़ता है ना. लिया पैकेट, खोला, सारी चीज़ें मिक्स की, स्टेप बाई स्टेप इसमें सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है. ये मिक्सचर आ गया इसका? हाँ, मैं आपको ये दे देती हूँ कैंची. ये मिक्सचर है और इसमें जाते हैं अंडे. कुछ डालना नहीं पड़ेगा, जस्ट आपको लिक्विड इंग्रेडिएंट्स ऐड करने पड़ेंगे और आपका केक रेडी हो जाएगा. तो हम चाह रहे थे कि ब्रेक में जो भी बीटिंग है वो हम कर लेंगे, लेकिन मिक्सिंग आपको हम दिखा दें इटालियानो की. अच्छा, ये हमने एक अलग रख लिया. ठीक है, ये आ गया सारा. कई बार हम बना चुके हैं वैसे अपने शो पर, अब तो आप लेकर आएँ और बच्चों को ही दे दें कि भाई ये तुम ये सारी चीज़ें मिक्स कर. इसका मिक्सचर आ गया. ठीक है, क्या चाहिए? ये अच्छा, दो कितने अंडे हम ले रहे हैं इसमें? दो या तीन? इसके अंदर हम तीन अंडे लेंगे. ठीक है, और इसके अंदर इस तरीके से होता है कि जितने भी लिक्विड इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे पास वो आहिस्ता आहिस्ता हम उसके अंदर मिक्स करते रहते हैं. ठीक है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम तब डालते हैं जब कंसिस्टेंसी जो होती है, ठीक है, हमारी बेकिंग की, जब वो बिल्कुल परफेक्टली हो जाती है उसके बाद उस हिसाब से हम लिक्विड डालते रहते हैं, उसको मिक्स करते रहते हैं. चाहिए? अच्छा, लिक्विड मेरे पास ये आ गया. ठीक है, दूध है, तेल है, ये दो अंडे. दूध है, तीन अंडे. ठीक, तीन अंडे हैं, 1/3 ऑयल है. ऑयल और बटर दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, बट हम ग्रीसिंग के लिए बटर इस्तेमाल करेंगे अभी. ठीक है, ठीक है. इसके अंदर हम जितना भी लिक्विड इंग्रेडिएंट्स है वो पहले मिक्स कर देते हैं, बाद में हम ठीक है वो सब बस एक में कर दो, फिर हम बीट ब्रेक में ही कर देंगे. ठीक है, ठीक, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसकी ख़ास बात भी यह है कि आप हर चीज़ भी मिक्स कर देंगे ना, ये मिक्स जो है वो बहुत अच्छे से आपको एक स्पंज वो देता है. और सारे फ्लेवर्स इसके बहुत मज़े के हैं, चाहे आप कोकोनट का लें या पैनकेक्स इसके बनाइए, रेडीमेड आपको उसका बैटर मिलेगा. अच्छा, सिर्फ आपको घोलना होता है. ये हम डाल रहे हैं मिल्क. ठीक है, बस वो कंसिस्टेंसी देखनी है कि हाँ. कितना डालना है. मेजरमेंट सारी लिखी हुई है, तो इट्स लिखी हुई हैं, इसकी बैक साइड पर भी लिखी हुई हैं, आसानी हो जाती है. ठीक है, ये गए तीन अंडे एंड थोड़ा सा ऑयल, और ये 1/3 ऑयल चला गया. ठीक है जी, सही है जी. अब हम इसकी बीटिंग करते हैं. बीट करके इसके पैन में अच्छे से ग्रीस करके हम ओवन में रखते हैं. आप लोग एक ब्रेक लीजिए, आज का शो मिस नहीं करना है. द लाउंज से आई हैं फायजा और सलीम हमारे साथ हैं, जो कि इस कढ़ाई में बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई आप लोगों के लिए तैयार करेंगे. एक ब्रेक. जी
वेलकम बैक। और इटालियनो का केक मिक्स से जो है वो हमने मोल्ड में डाला, उसको ओवन में रखा। फाइज़ इसको कितनी देर तक हम रखेंगे? तकरीबन 20-25 मिनट्स तक हम पहले देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ओवन पर डिपेंड करता है। सही है, हमारा बड़ा एक्सीलेंट ओवन है यहाँ पर। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे 30-40 मिनट्स के अंदर ये पूरा कुक्ड हो जाएगा। उसके बाद इसको ठंडा करेंगे और इस पर अगर हमें इस पर गनाश यूज़ करना है तो चॉकलेट मेल्ट करके वो भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आप डाल लें और उसको फ्रीज कर दें 1 घंटे के लिए। उसके बाद आप उसको स्लाइस निकाल लें और खाइए मज़े से। तो जब तक ये बेक होता है आप रेस्ट कीजिए, आराम से सोफे पे बैठिए। अब हम सलीम साहब को ज़रा दावत देंगे, आ जाएँ जी अपना कारनामा, अपना टैलेंट, अपना जौहर दिखाने के लिए। हाँ, इतने सालों से ये कढ़ाई बना रहे हैं, अब तो ख्वाब में भी आप ऐसे बना देते होंगे, है ना? सोते सोते भी बना देते होंगे आराम से। और हर बार एक ही जायका आता है कढ़ाई? अल्हम्दुलिल्लाह, जब से बना रहा हूँ एक ही जायका आ रहा है और एक ही चीज़ बनाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ भी गया कामयाबी का मंजर मिला। चलो जी शुरू करते हैं। अब कौन सी वाली कढ़ाई सिखा रहे हैं पहले? अभी बना रहा हूँ ये मटन शिनावरी कढ़ाई, शिनवारी वाली, ठीक है। ये शिनवारी कहते हैं, क्यों है इसको? इसकी रेसिपी अलग होती है और इसका जायका हर चीज़ अलग होती है इसकी। जी सर, चले जरा आज हम ये एक सीक्रेट जान लेते हैं शनवारी कढ़ाई का। अच्छा, चूल्हा चला दूं मैं आपके लिए? ठीक है। पतीली में भी कढ़ाई बनाते हैं आप? सब चीज़ में बना लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो जायका इसमें आता है वो उसमें नहीं बनता। कुछ है ना ये वाला ऐसा जो ये लोहे का होता है, जी है ना, ये लोहे का। इसका एक अपना फ्लेवर आता होगा जरूर कढ़ाई में, एक रंग। अच्छा, क्या चाहिए हमें सबसे पहले? सबसे पहले हम लेंगे ऑयल, ठीक है, इसमें डालेंगे ऑयल। सही है। सलीम साहब पहली बार कैमरे को फेस कर रहे हैं? नहीं, पहले भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह, अच्छा भाई आप तो स्टार हैं, जो कैमरे को फेस कर लेते हैं वो स्टार हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें हम डाल देंगे ऑयल, ऑयल गरम होने तक, ठीक है। ये आवाज, वही चमचा, वैसा ही हर चीज, तो आपको लगेगा कि ये लाइवली वीकेंड्स का ढाबा है आज, है ना सलीम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक्साइटेड थे हमारे शो पर आने के लिए? जी जी। अच्छा अच्छा जी, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए वाउचर हम आज दे रहे हैं नादो सैलून की तरफ से। वहाँ पर जाकर आप सर्विसेज करवा सकते हैं, बालों की है, ट्रीटमेंट्स वगैरह हैं, और प्रोटीन ट्रीटमेंट है, हेयर कट है, अगर आप चाहते हैं तो ये वाउचर विन कर सकते हैं हमारे शो का। आप लोग हिस्सा बन जाइए, SMS कीजिए, हमें कॉल कीजिए। आज हम वैसे ही बात करेंगे कि जो सारी बातें अच्छी अच्छी नॉलेज हमने अपने शो के ज़रिए आप लोगों के साथ शेयर की, क्या आप लोगों ने उनको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया या सिर्फ सुना और कहा हाँ बिल्कुल सही, अरे वाह क्या बात है, सिर्फ यहीं तक ही ये बातें थी, या वाकई में कोई चेंज आपकी ज़िंदगी में आया उनको प्रैक्टिस करने के बाद? थोड़ा इसको तेज़ कर रहा हूं। हाँ ये ना आपका, क्या आपके रेस्टोरेंट में भी ऐसी आँच नहीं होगी जो हमारे यहाँ है आँच? ऐसा ही तेज़ चाहिए, आहिस्ता करना हो बेशक कर लीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है, अदरक लहसुन पेस्ट। सबसे पहले ये मिक्स करके रखते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल लग रहा है वो वहीं की कढ़ाई है ना, ढाबे की वही स्टाइल है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटन, ये मटन हमने हाफ डन करके रखा हुआ है। अच्छा, जो हाफ डन किया है जी, उसका पानी उसी में खुश किया है? इसी में ही पानी होता है, और 1 किलो मटन में 1 अदद चम्मच नमक डालना होता है। सिर्फ नमक? नमक और कुछ भी नहीं? और कुछ भी नहीं, पक्का है ना? और इसी में इसका पानी खुश्क होना चाहिए, तभी इसका जायका आएगा। और चिकन में बनाए तो डायरेक्ट ऐसे ही डाल दें? वो भी डायरेक्ट डाल दें। अच्छा, अब इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर। अच्छा, टमाटर साबित ऐड करना है, और छिलका भी नहीं आपने उतारा? छिलका नहीं उतारा हुआ। कितने टमाटर, कोई खास हिसाब है? अगर 1 किलो मटन है, 1 किलो मटन में तकरीबन आप 3 से 4 अदद टमाटर डाल सकते हैं साबित। 1, 2, 3, 3.5 वो भी ठीक थोड़ा डाल दें, नहीं अपने हिसाब में चल रहे हैं ये सही। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्का सा पानी टमाटर का छिलका करने तक। अच्छा जी, अब हमने इसको ढक दिया। सलीम साहब आप कितनी कढ़ाइयाँ एक साथ तैयार कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कढ़ाइयाँ तैयार कर लेता हूँ, 10 ऐसे लगी हुई हूँ जितने 15-20 तो मैं आराम से तैयार कर लेता हूँ।
जबरदस्त जी। घर पे भी कुकिंग करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह घर पे भी कुकिंग करता हूँ। क्या बनाते हैं घर पे? जो पसंद करते हैं घर वाले, बिरयानी, कढ़ाई सब बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानी पुलाव, अगवानी पुलाव, बुखारी पुलाव। मैं सऊदीया में रह गया हूँ 6 साल। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी यही कुकिंग ही की है। वाह भाई, एक कॉलर हमारे साथ हैं, इनसे बात कर। लाइन ड्रॉप हो गए। आपका तो मैं ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करूंगी। आप लोगों की बड़ी, जिसे कहते हैं ना, हम इज़्ज़त और ऑनर करते हैं, क्योंकि आप जैसे जो कुकिंग एक्सपर्ट होते हैं, ये इनमें आप में ख़ास बात ये होती है कि आप लोगों को घरों से खींच के लेकर आ जाते हैं। घर वाले खाने छोड़कर हम बाहर के खाने खाते हैं, क्योंकि शायद आपके हाथों में ज़्यादा जायका हमें लगता है, और हम रेस्टोरेंट को इंजॉय करते हैं। हम कहते हैं कि यार यहाँ की कढ़ाई खानी है, यार इनके हाथ की कढ़ाई खानी है। तो आप में बड़ी पावर है, बड़ी ताकत है, आप खींच के ले आते हैं अच्छे अच्छे ख़वातीन जो कुकिंग एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी पीछे छोड़कर जायका खींच के ले आते हैं। और तो कोई नहीं, आपका कमाल है इसमें, आप जायका डालते हैं इसमें। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। सलमा, साइमा, सलमा, अस्सलाम वालेकुम सलमा। सलमा किधर हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। आज छिंदवाड़ी था, आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ना एक मुझे शिकायत है। हाँ, जब भी कोई ये ना इंग्रीडियंट बताते हैं, जब हसबे जरूरत कहते हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। हसबे जरूरत हम तो बेसिक से उपकार होते हैं, जो आपने हमें बताई हम इसको ट्राई करेंगे। तो हसबे जरूरत का लफ्ज खत्म करके ना हमें आप एक्चुअल इंग्रीडियंट बताया करें। अच्छा ठीक है, मतलब नमक जितना डाल रहे हैं वो भी रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा ठीक है, सही है। नमक और मिर्चे, ठीक है, ठीक। और आप ठीक है? हाँ अल्लाह का शुक्र, आप शो देख रही हैं हमारा। थैंक यू अल्लाह। ओके जी, थैंक यू अल्लाह हाफिज़। उन्होंने शायद टीवी खोल के रखा हुआ है। अच्छा, इसको अभी आपने सिर्फ ढक के रखा है। अदरक लहसुन का पेस्ट किया है, मटन किया है जो कि पहले से बॉईल हुआ था नमक के उसमें, और आपने अभी डाले टमाटर साबुत और तेज़ आँच ही रखी जी। अब हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ठीक। और कितनी देर में आप इसको करेंगे? ये 5-7 मिनट। मैं उससे पहले कुछ नहीं करने दूंगी जब तक हम वापस नहीं आएंगे, सही है? तुमको सीख लिया होगा तुमने तो। हाँ ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और शनवारी मटन कढ़ाई सिखा रहे हैं सलीम साहब, जो कि आए हैं दी लाउंज से। और दी एक हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस। जी वेलकम बैक। आज दी लाउंज से आए हैं शहजादा सलीम जी। हमारे साथ हैं, कुकिंग एक्सपर्ट, ये कढ़ाई बनाते हैं, कई ज़मानों से बना रहे हैं, और आज ये आपको सिखा रहे हैं मटन छिंदवाड़ी कढ़ाई। और आपने अभी क्या क्या किया था एक दफ़ा फिर बताइए जी। सबसे पहले हमने इसमें आयल ऐड किया। हाँ, आयल ऐड करने के बाद हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, ठीक है। लेकिन जो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, इसके अंदर जो है हमने मलीर की मिर्ची ऐड की है। आया ना सच बाहर। ब्रेक में सब इनके ऊपर चढ़ गए ना, पीछे पड़ गए। नहीं, इसमें कुछ और भी है? नहीं बस ये है, टेस्ट कर बताया शर्जील ने। नहीं, शनवारी कढ़ाई में लाजमी जो है हरी मिर्च मलीर वाली वो ऐड करेंगे तो। हाँ, उसका रेसिपी जायका आएगा, वरना नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, तो अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना के इन्होंने रखा है। आपने फिर मटन डाला, बॉइल किया हुआ, और उसके ऊपर सिर्फ आपने ऐसे साबित आधे आधे कटे हुए टमाटर रखे। अब हम इसका जो है ना छिलका उतार देंगे। अच्छा। ये आसान तरीका है, ये अब इसका हम छिलका उतार ये देंगे। सही है ना? क्योंकि अब कढ़ाई में आ जाएगा बिल्कुल खस्तापन। सही है, और कौन टमाटर छीले, बिल्कुल ये तरीका जो है सारे रेस्टोरेंट वाले इसी तरह। काफी लोग पेस्ट बना के डाल देते हैं, लेकिन वो बड़ी कोशिश करते हैं, ये चीज नहीं बनती, जहाँ से वो नाकाम हो जाते हैं। हाँ। ये ठीक है, ये हमारे शो पर जो भी आता है ना, वो बड़ा सच सच रेसिपी शेयर करता है अल्हम्दुलिल्लाह। ने कहा कि चलो, काफ़ी लोग सीख के गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कम अज़ कम मेरे 15 से 16 शागिर्द तो हैं। अच्छा, हर कोई अपना नसीब खा रहे, कमा रहे, दुआएं दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तरीका है ना, ये बिल्कुल एज इट इज़ बनाएंगे तो वही वाला जायका आएगा। अभी तक इन्होंने एक बार भी चमचा नहीं चलाया जब उन्होंने टमाटर डाले ना। अभी हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्ची। इसमें लाल मिर्ची ये है कि इसमें लाल मिर्ची पाउडर भी है और कुटी हुई भी है, दोनों मिक्स है, ठीक है। ये दोनों डाला, ये जो है ना एक चाय का चम्मच पूरा और एक आधा इसको ये डाल दिया,
अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्की सी हल्दी। अच्छा, ये शिनवारी कढ़ाई में लाजमी डलती है। अच्छा, हाफ टी स्पून के करीब इन्होंने हल्दी, हल्दी। कई लोग तो कढ़ाई में हल्दी नहीं डालते, वो रेड कढ़ाई में नहीं डलती लेकिन शिनवारी में डलती है। हर किसी की अपनी अपनी रेसिपी है। अब जैसे अगवानी कढ़ाई हो गई, सब हो गई, उसका अपना अपना रेसिपी है। अब ये नई कढ़ाई आ गई, चरसी कढ़ाई, उसमें वाकई डाला जाता है वो? नहीं नहीं, उसकी भी अपनी रेसिपी है लेकिन जायका उसका अलग आता है। सलीम सर, आपने कहाँ सीखी ये शिनवारी कढ़ाई? मुल्तान में सीखी? नहीं, कराची में भी कुछ सीखी है, कुछ मुल्तान में भी सीखी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, अब ये टमाटर हमारे गलते जा रहे हैं, अब इसकी ये ग्रेवी बनती जा रही है। ये मटन, क्योंकि हमने बॉईल किया हुआ जी, मटन हमने उबैल किया हुआ था, उसमें टाइम लग जाता है, बाकी और मसाला कुछ भी नहीं है, उसमें टाइम लग जाता है। काफ़ी लोग इसमें प्याज ऐड कर लेते हैं लेकिन कढ़ाई में प्याज नहीं डालनी चाहिए, उसकी एक अलग अलग फिर रेसिपी हो जाती है। रेस्टोरेंट में भी आप थोड़ा आधा बॉईल करके मटन रखते जी, किलो किलो के हिसाब से ना, कुछ उबैल करके रख देते हैं, कुछ हाथ के हाथ कर लेते हैं, वहाँ पे कुछ अलग तरीका कार होता है। सही है जी, जैसे कोई आ जाते हैं ताज़ा बना दो तो ताज़ा बना देते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम की बचत हो जाती है, बाकी वही चीज़ बनती है। फाइज साहब, केक चेक करना है, कर लो जी। हाँ, अपना देखते रहो, फिर फायज़ा से हम बाद में ये मोनसालवा के आज चिकन नगेट से ये सैलड बनाना सिखाएंगे आपको। अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्ची भी आपने इस तरह लेनी है कि पाउडर और कुटी भी मिक्स करनी है। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये दोनों मिक्स करके इसमें एक चाय का स्पून ऐड करेंगे। ठीक है, बस आज से इसी तरह से मिक्स करके हम रखेंगे इंशाल्लाह। लाल कुटी हुई मिर्चें और लाल मिर्च, सिया मिर्च और कुटी हुई काली मिर्च। जी सर, ये टाइम है अभी केक में। ओहो, नान लाएं आप जी? क्या मतलब, कढ़ाई बस ऐसे ही खिला दिखाएंगे, हमें सिखाएंगे, खिलाएंगे नहीं? नहीं नहीं, खिलाएंगे जरूर। कैसे खाएंगे आप कढ़ाई? नान तो लाए नहीं। नान ले आते हैं, नान तो कौन सा, कहाँ से लाएंगे आप? तो ये बना रहे हैं, अब क्या होगा पता होना चाहिए था ना, कढ़ाई बना रहा हूँ तो नान भी साथ होने चाहिए ना। अभी ये आपके रेस्टोरेंट के ओनर आएंगे ना, अभी उनसे शिकायत करूँगी मैं, वो नान क्यों नहीं लेकर आए। नादिया की कॉल है, अस्सलाम वालेकुम नादिया। ये आप इस तरह के भुनाई कर दो कि इसके अंदर टमाटर नज़र नहीं आना चाहिए। अच्छा, जब तक इसका टमाटर का पेस्ट पूरा पकना नहीं चाहिए आप। हाँ, और कुछ भी ऐड नहीं करो। अच्छा, ये आप साथ साथ निकाल क्यों रहे, अगर हम इसको इसी में वो करें? इसमें ही कूट सकते हैं आप, लेकिन कोई टमाटर आजकल पक्का आ जाता है ना। अच्छा, तो वो नहीं गलता है, तो उसको आप बेशक निकाल दो आपकी। अच्छा जी, वो फ्लेवर और जूस उसका आ गया। आ गया, और मुसलसल इन्होंने तेज़ आंच रखी, ब्रेक में भी तेज़ आंच रखी। मैंने इनसे कहा कि आहिस्ता कर दें, जल ना जाए, तो इन्होंने जवाब मुझे दिया, अब इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया है, अंदाज़ा है मुझे। हाँ, ये बात तो है, हम तो कुछ नहीं आपके आगे। अब वो जला हुआ भी थोड़ा सा एक फ्लेवर आ देता है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी नादिया। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत खुश। आप कैसी हैं? अच्छा, मैं पहली बार तब आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ओके। और आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत अच्छी, सब ठीक नहीं हूँ। मुझे बहुत प्यारी लगती है। हाँ, अच्छा, थैंक यू। आज का शो कैसा लग रहा है, शिनवारी कढ़ाई सिखा रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और मैं ये शो देखकर ना शेफ बन गई हूँ। अरे वाह, वो सलीम साहब आए, उनसे कोई बात करेंगी आप? कभी कढ़ाई, कभी वो क्या नाम है, नान, कभी क्या, कभी क्या। हाँ, कभी कुछ कभी कुछ, मुसलसल सिखा रहे हैं। ये देखें जरा शिनवारी कढ़ाई डालेंगे, दही, ये डाल दिया दही का पेस्ट, पेस्ट बना के डालना है। पहले तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, सीधा सीधा गोश बना। अच्छा, अब एक्सपर्ट हो गई है, अब तो आज के बाद तो सारे रेस्टोरेंट वाले एक्सपर्ट बन जाएंगे ना। घर वाली खवातीन जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल से कढ़ाई बनेगी अब, शिनवारी कढ़ाई घर में। अच्छा, ये आपने खास दही लिया पेस्ट पतला करके उसका फेंट के, ताकि गुठलियाँ और वो शक्ल उसकी इसकी अलग हो जाए। ठीक है,
अब इसका ये दही का बस पानी पक गया, इसमें ऑयल बिल्कुल शिनवारी कढ़ाई में बिल्कुल कम डालना है। अच्छा जी, अब इसमें हम डालेंगे ये हरी मिर्ची, स्लाइस में काटनी है हरी मिर्ची, देख लें बिल्कुल स्लाइस में कटी हुई है बिल्कुल, ये और बड़ी वाली हरी मिर्ची, बड़ी वाली हरी मिर्ची लेनी है और स्लाइस में काटनी है ये, ठीक है। अब ये डाल दी हरी मिर्ची, सही है। अब इसमें ये जीरा और धनिया कूटा हुआ है, भुना हुआ नहीं है, अगर इसको आप पहले से ही भून लेंगे तो उसका टेस्ट अलग आ जाएगा, ये भी भुना हुआ है, हम भी भून के अच्छा भुना हुआ और कूटा हुआ, ठीक है। ये अब इसमें ये डाल दिया, ये तो कितना आसान है। अब ये जो है ना, ये है वालों का कढ़ाई मसाला, ठीक है, कढ़ाई मसाला पैकेट वाला, आप कोई भी ले लीजिए, कोई नहीं लेना है, लेना ठीक है, सही है, हाँ ले लीजिएगा, हाँ। कोई बात नहीं, वो ही नहीं। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, ये अच्छा, ये होती है ना ऑनेस्टी। अब हमारी तैयार हो गई जबरदस्त शिनवारी कढ़ाई, और देखो ग्रेवी कितनी आई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खुश्क वाली हो, नहीं खुश्क वाली नहीं आएगी ना, आप मटन शिनवारी कढ़ाई जो है वो थोड़ी ग्रेवी टाइप में आती है, और ग्रेवी जो है बिल्कुल आपकी इस तरह होनी चाहिए, ये परफेक्ट, ये चीज बनेगी तो तब शनवारी बनेगी आपकी, सही है। आखिर में आपने ये दही के साथ दो मसाले, अब जो है ना अब हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे, हाँ। बिल्कुल बारीक कटी हुई अदरक थोड़ी, आज तो कढ़ाई में ही सर्व कर रहे हैं ना, डोंगे शोंगे नहीं रखते हम, नहीं। अब ये करेंगे धनिया, अब आपकी हो गई मटन शनवारी कढ़ाई, ओके ओके, रेडी टू ईट, रेडी टू ईट, ठीक है जी। और इसको अब ये हो गई आपकी सर्व डन है, अब ब्रेक के बाद आएंगे तो हम आपको बलोची टिक्का कढ़ाई इंशाल्लाह सिखाएंगे, है ना मज़ेदार, वेरी गुड, गुड जॉब। अब हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। हाँ जी, प्रॉपर ऑथेंटिक शनवारी मटन कढ़ाई आज सिखाई है सलीम साहब ने, और यकीन जानिए कुछ भी नहीं छुपाया, सब कुछ वैसा, सब कुछ बताया, शक्ल भी बिल्कुल वैसी, अभी हमने ढक के रखा है, ये ज़रा आपको दिखा देते हैं ना, आए हाय हाय हाय, और नान का भी बंदोबस्त हो रहा है जी, ज़रा हम चखेंगे, क्या खुशबू आई है, मैं इसको ऐसे रख देती हूँ, ठंडी हो जाएगी यहाँ से, गरम गरम खाएंगे। हाँ जी, अब क्या सिखाएं? अब हम आपको सिखा रहे हैं चिकन बलोची टिक्का कढ़ाई, ठीक है जी, शुरू हो जाएं। आपने शनवारी में भी देखा कि बहुत कॉमन मसाले जो हम डालते ही हैं कढ़ाई में, लाल मिर्चे, लाल कुटी मिर्चें मिक्स करके रखी थी इन्होंने, काली मिर्च, काली कुटी मिर्चें मिक्स करके रखी थी, ये पैकेट वाला खास इन्होंने नाम लिया, वही आपने इस्तेमाल करना है मसाला, कढ़ाई मसाला, और ये धनिया ज़ीरा शान वाला, और ये धनिया ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ इन्होंने रखा हुआ है, ये सारे मसाले गए, और किस स्टेज पे हरी मिर्च डाली थी और किस स्टेज पे दही डाला था, ये मसाले डाले थे, ये तमाम चीज़ें अफेक्ट करती हैं उसके जायके को। अब चलें जी, शुरू करें, हम बना रहे हैं बलोची चिकन टिक्का कढ़ाई, ठीक है ये अब ले ली, अब लगता है हमें भी ये कढ़ाई लेनी पड़ेगी जी घर के लिए ना, इसी में ही बनाएंगे, इसका जायका अलग बनता है ना, इसका एक अपने राइस भी अपना तरीका है, ठीक है। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें ऑयल, ठीक है, बलोची चिकन टिक्का कढ़ाई में ऑयल कुछ ज्यादा डलता है, अच्छा जी, बाद में फिर ये निकाल दिया जाता है, अच्छा सही है, क्योंकि वो टिक्का पीसेस को आपने जी पूरा डिप करना है तेल में। अच्छा, ये टिक्का पीसेस मुझे ज़रा दिखाएंगे, इसमें आपने मैरिनेशन किया हुआ है ना, लगाया ये सब, ये पहले जो है ना इसका मैरिनेश करके रखते हैं, ये इसको जो है ना, हाँ, टिक्के का मसाला जो है वो हमने लगा के रखा हुआ है। अच्छा, क्या क्या लगाया हुआ है इसमें? इसमें सर लहसुन अदरक का पेस्ट होता है, हाँ, टिक्के का मसाला होता है, और हाँ, इसमें दही और लाल मिर्ची पाउडर, अच्छा वो भी अलग से जी, और नींबू वगैरह, नींबू का पेस्ट बनाते हैं, अच्छा, उसका खाली पानी देते हैं इसको बस, अच्छा ठीक है, ये पहले से टिक्के बना के हमने रखे हुए हैं, हाँ, ये निशान वगैरह इसको लगा के ये रख देते हैं, ठीक है, तो इसमें गया नींबू, लाल मिर्चे, लाल मिर्ची पीसी लहसुन जी, और दही, हाँ दही, और टिक्का मसाला, और सिलका, सिलका क्या जी, इसको लगाते हैं ना सिलका, वो सिरका जी, अंगूरी सिलका, अच्छा नहीं टिक्का मसाला, पैकेट का टिक्का मसाला नहीं, वो पैकेट वाला ले लो टिक्का मसाला, आपकी मर्जी, अपना बना लो गरम मसाले के हिसाब से, तो आपकी मर्जी। आपने कौन सा अपना बनाया? हाँ जी, हमने अपना बनाया। क्या क्या डाला हुआ था उसमें? इसमें दालचीनी होती है और लौंग होते हैं, हाँ, और वो होता है अपना, क्योंकि असल उसका फ्लेवर होगा ना जी,
गरम मसाला सारा मिक्स करके, गरम मसाला का फ्लेवर ले लो आप, उसको जो ना पहले से ऐड करके टिक्के बना के आप रख दें। अच्छा, वरना हम पैकेट का टिक्का मसाला भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, उसमें इतना इशू नहीं है कोई। ठीक है, वो टिक्का मसाला लिया, लाल मिर्च अलग से डाली, नींबू, सिरका और अदरक लहसुन। अब ये हमारा आयल हल्का सा जो है ना गर्म हो गया, अब इसमें टिक्के ऐड करने हैं। सही, और दही का मेरे ख्याल से पानी ना हो उसमें, है ना, क्योंकि इसमें इतना वो नहीं है इसका खास फ्लेवर। और इसको कितनी देर तक मैरिनेट करके रखें? तकरीबन इसको जो है ना 15 से 20 मिनट लगेंगे। हाँ जी, ये अच्छा, इसमें ये ऐड कर, मैरिनेट तो आप रात से कर लें तो अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, वो आपके ऊपर है। और ये इसी तरह से टिक्का कढ़ाई ऐसे सर्व होती है, ऐसे ही पीसी में ही सर्व होगी, जैसे पक रही है ऐसे ही सर्व होगी। अच्छा, मैंने कभी नहीं खाई है वैसे ये वाली। इंशाल्लाह आप खाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। ये टिक्के डाल दिए, ये आस्ता आस्ता ये पकते रहेंगे ये। हाँ, और ढक के रख देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर टिक्के आप दो भी पीस करके डाल दो तो कोई मसला नहीं है, वो आपके ऊपर है आप किस तरह पकाना चाह रहे हैं, लेकिन हम इस तरह साबित नहीं बनाते हैं। वो लुक आती है ना उसकी टिक्के की। जी ठीक है, देखिए आज दो आपको कढ़ाई बनाना सिखा रहे हैं। और द लाउंज में हम आएंगे आपके रेस्टोरेंट, इंशाल्लाह आप आओ वहाँ पे। हाँ, बहुत मज़ा आएगा आपको। आपको वहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी कढ़ाई कौन सी लगती है, जिस ज़्यादातर जो लोग खाते हैं वहाँ पे? मेरे हाथ की तो यही ज़्यादा शिनवारी चल रही है, शिनवारी और बलोची टिक्का कढ़ाई। अच्छा, यही आज तो आपने वही दोनों स्पेशल सिखाई है, वेरी गुड। हाँ, अगर आपने घर में नहीं बनाई है तो आप लोग भी जा सकते हैं द लाउंज। कॉलर है कश्मा से, चश्मा से, चश्मा से आमिर है। अस्सलाम वालेकुम आमिर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश, हैप्पी हैप्पी, लकी लकी, गुड गुड। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कौन आमिर बात कर रही है? आमिर हमीद। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं समझी शायद आप कोई शो वो पर आए हुए हमारे, मैं जानती हूँ आपको। नहीं ऐसे नहीं, मैं एक्चुअली आपका हर वीकेंड पे शो देखता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज आती हैं भाई। आज तो शनवारी कढ़ाई ने कमाल कर दिया। कमाल कर दिया बिल्कुल जी। ये जो हमारे भाई साहब आए हुए हैं, हाँ भाई साहब जी, शहजादा सलीम साहब, तो इनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि इनके हाथ में काफी टेस्ट है। काफी टेस्ट, वाह भाई, देख के बता दिया आपके हाथ में काफी टेस्ट है। ये ऑथेंटिक कढ़ाई एक्सपर्ट है माशाल्लाह। मैडम आप काफी प्यारी लग रही हैं, और ये हम कहते हैं अक्सर कि आप मसाला टीवी की मां नूर बलोच है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने इतना कुछ सीखा हमारे शो से, कुछ अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी किया जो बातें मैं करती हूँ आप लोगों से, अच्छी अच्छी मजे मजे की सोच की? ये जो भी अच्छी बात कोई भी कहे तो वो मेरे ख्याल में हर एक इंसान को अपनानी चाहिए लाइफ में। अच्छा, वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाती है और आपको उसका फायदा लाजमी होता है। सही है, मैं जब भी आप लोगों से कोई सवाल करती हूँ आप लोग एक जनरल जवाब देते हैं कि लोगों को ये करना चाहिए, लोगों को अपनी बात किया करें आप लोग। नहीं ये तो हर कोई जो अपना है वो दूसरों आगे कहता है कि आप भी ऐसा करें, अगर मैंने ऐसा किया है तो मुझे फायदा हुआ है तो आप भी ऐसा करें। हाँ, हम तो सिर्फ बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, करना ना करना आपके हाथ में। ठीक है आमिर साहब, अब जरा हम बलोची टिक्का कढ़ाई सीख रहे हैं शहजादा सलीम से, ज़रा उस पर फोकस करेंगे। उम्मीद है कि जो शनवारी कढ़ाई है वो लोगों को अच्छे से समझ में आ गई इंशाल्लाह आएगी। सलीम साहब, हमारा शो है ना रिपीट होता है 5 बजे, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ज़रा कि मैंने कैसे कढ़ाई सिखाई लोगों को। मैं तो रोज़ ही देखता हूँ ना, रोज़ ही बनाता हूँ, रोज़ ही देखता हूँ। सही है, नहीं अपने आप को आप देखेंगे ना इंशाल्लाह, अपने आप को देखना भी तो लाजमी है। अच्छा, अब कितनी देर तक हम इसको इस तरह, अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का जो पेस्ट बनाया हुआ है वो, ठीक है, लेकिन इसमें जो पेस्ट ऐड होता है उसमें पानी नहीं होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, खुश्क और ड्राई होना चाहिए। ठीक है, और इसमें ज़्यादा पेस्ट ऐड होता है। अच्छा सही है, ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का हमने पेस्ट बनाया है, वो भी मलीर की, मलीर वाली मिर्च, उसका जायका अलग होता है। ठीक है, ये सब्जी वाले से कहे कि मलीर वाली मिर्च, जी मलीर वाली, पतली वाली, छोटी वाली, ये पतली वाली। अब इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची स्लाइस में कटी हुई, ये भी ज़्यादा ऐड होती है। अच्छा जी, जैसा आप बोलेंगे हम वैसा करेंगे। ये खूब सारी इन्होंने डाली है अदरक लहसुन, हरी मिर्च पिसी हुई भी
वाकई में खुशबू बता। हमारा नमक जो है पहले से ही तिक्के को लगा हुआ होता है, हम नमक इसमें ऐड नहीं करना है। अच्छा, अगर आप ऐड करेंगे तो आपका नमक तेज़ हो जाएगा। अच्छा सही है, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई में बनती है, इसमें टमाटर ऐड नहीं होते, प्याज, कोई चीज़ भी आपने ऐड नहीं करनी। अच्छा, बस अब हम इसको छोड़ देंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट में हमारे तिक्के पक जाएंगे, लहसुन और मिर्ची भी पक जाएगी। अच्छा सही है जी सर। और इसमें थोड़ी कम ग्रेवी होती होगी उसके मुकाबले? इसमें बिल्कुल भी ग्रेवी नहीं होती, ना होने के बराबर होती है, ये बिल्कुल ड्राई बनती है। अच्छा, जो असल रेसिपी है इसकी, वरना तो लोग टमाटर डाल के तिक्के डाल के दे देते हैं, बोलते हैं ये लो तिक्का कढ़ाई। हाँ, सही कह रहे हैं। और वो खुश-खुश सी ड्राई, हाँ, इंशाल्लाह आप ये आज देखेंगे, सीखेंगे तो ये खा के देखना, आपको बड़ा मजा आएगा। बस जी, डन है। और तिक्के में जो मसाला लगाया था वो भी आपको बताया, लाल मिर्ची थी, कोई भी तिक्का मसाला ले लीजिए, और अदरक लहसुन पेस्ट था, सिरका, नींबू और दही, दही है ना, ये था। सही है जी, ब्रेक का टाइम आ गया है, एक ब्रेक ले लेते हैं। जब तक तिक्के पक रहे हैं, सिर्फ हरी मिर्च डाली है, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट खूब सारा भर कर डाला है, और इंतज़ार कीजिए। ठीक है जी, आज अच्छा जी, आप लोग हमारे शो का हिस्सा बनिए। हम आज नादो सैलून के वाउचर्स भी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आप लोग अपनी हेयर की सर्विसेज करवा सकते हैं, हेयर कटिंग वगैरह, प्रोटीन ट्रीटमेंट, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं वहाँ जाकर। तो आप लोगों को अगर वाउचर्स चाहिए, हमें SMS कीजिए, हमें कॉल कीजिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर हो। आ जाए जी, बलोची टिक्का कढ़ाई हम आपको आज सिखा रहे हैं, जरा इसका दीदार कराएंगे जी सर। हाँ जी, खूब सारा ऑयल लिया, इसमें ऑयल ज़्यादा होता है, टिक्के को मसाला पहले से लगाया हुआ था, फिर आपने वो टिक्का इसमें डाला, आपने इसमें डाला अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट था खूब सारा, तो 3-4 चमचे टेबल स्पून, फिर खूब सारी हरी मिर्चें डाली और उसको ढक के रख दिया। अभी तक इसको ढक के ही रखना है। अच्छा जी, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, और ख़ास आपका शो देखा जा रहा है, लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनसे बोलो कि बताएं एक एक चीज़ टिक्के में जो मसाला लगाया है वो क्या मसाला लगाया, वो आपको बताना पड़ेगा। एक तो सिरका है, नींबू है, अदरक लहसुन पेस्ट है, लाल मिर्चें हैं, और इसमें टिक्का मसाला। टिक्का मसाला अभी आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप गरम मसाला भी लेके ऐड कर सकते हैं, पिसा हुआ। पूरे गरम मसाले में आपने क्या क्या डाला था? गरम मसाला तो हम लेते हैं ना, ये नेशनल वालों का ले लें या शान वालों को ले लें, हम पैकेट वाला ही लेते हैं। अच्छा, अलग से नहीं डालते? नहीं, अलग से नहीं डालते। तो फिर हम इसको टिक्का मसाला क्यों कह रहे हैं? टिक्का मसाला अलग है, गरम मसाला अलग है। तो आपने कहा ना कि टिक्का मसाला डाला है? जी, टिक्का मसाला भी डाला है, लेकिन गरम मसाला भी लगाया है, इसको दोनों लगाए। अच्छा, देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ बता रहे हैं, मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, मेरे लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। सच सच बताइए ना, सही सब सब आपको अपनी बेगम का वास्ता? नहीं, हम सच ही बताते हैं, झूठ नहीं बोलते, हम किसी से छुपाते नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो हम ऐसी जगह पे आए हुए हैं कि यहाँ छुपा ही नहीं सकते हम। छुपाएंगे तो अपना नुकसान करेंगे, और कुछ नहीं। तो गरम मसाला भी है और टिक्का मसाला, टिक्का मसाला भी हस्ते मुताबिक डालना है, ज्यादा नहीं डालना, यानी जायके के मुताबिक। और दही था, दही में दही पानी हल्का ना हो। हाँ, दही का हल्का सा पानी लें, अदरक लहसुन का पेस्ट लें और हल्का सा सिलका। अच्छा, पहले इसका जो है ना अलग से मसाला आप तैयार कर लें। ठीक है, नमक, पिसी हुई मिर्ची, हाँ, टिक्का मसाला, गरम मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट और दही का पेस्ट। अच्छा, दही का पेस्ट भी इस तरह होना चाहिए, ये देख लें आप, पतला, ये ठीक है। अब इसको आपने एक ही बर्तन में पहले से ही मसाला बना लेना है। ठीक है, मसाला बना के टिक्कों को लगा के रख देना है। अच्छा सही है तो, और रंग वंग कुछ नहीं जी? डाला जर्दे का रंग ले लो बस। आपने डाला? नहीं डाला, मैंने डाला है। तो बताए ना, देखिये मुझे रेसिपी खाना बनाना नहीं आता तो मैं पूछ भी नहीं सकती थी आपसे, है ना। बस हल्का सा जर्दे का रंग लगा दें इसके कलर के मुताबिक के लिए, ठीक है, क्योंकि ज्यादा रंग भी नहीं है, ना भी डाले तो ना ही भी डाले ना, ये टिक्का कढ़ाई ऐसी है कि अभी जो ऊपर से गार्निश मिसाले हो गए ना, ये खुद ही ड्राई हो जाएगी। सही है, ये मैं सूप बुलवाना चाह रही थी। आओ फायजा, जरा हम सैलेड बना लेते हैं। अच्छा, केक हमारा हो गया, बाय द वे वो हमने ओवन से निकाल लिया है। अब एक सैलेड है, ये चिकन नगेट्स के साथ ना। अच्छा, सैलेड की चीज़ें सारी मिक्स कर दूँ और साथ में फिर हम नगेट्स फ्राई कर देंगे? ठीक है, मैं ये निकाल लेती हूँ। ये ले जी, आज हम मनसलवा की एक और वेरिएशन आपको दे रहे हैं नगेट्स के साथ। सलीम साहब, टाइम है तो हम बना लें ना थोड़ी सी सैलेड? बेशक बेशक बना लें आप। ठीक है, क्योंकि बलोची टिक्का कढ़ाई में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ सही है ना, इसको ढक के रखना, आप रख दें। नहीं ढकना नहीं, अगर ज़्यादा ढकेंगे तो आपके टिक्के गल जाएंगे। सही है, हाँ जी,
अच्छा जी, ये हम फ्राई कर रहे हैं और इसमें सैलेड में क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आप बता दो साथ साथ। इसके अंदर हम लेटस लेंगे। ठीक है, ये हमारा लेटस आ गया। अच्छा। फ्रेश लेटस आ गया। आज दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ना, एक कढ़ाई और। अच्छा, इसके अंदर हम चेरी टोमेटोज भी ले सकते हैं। हाँ। लेकिन हम स्लाइस भी ले सकते हैं, वो समटाइम्स लॉकडाउन की वजह से चीज़ें नहीं मिलती। ओके। अच्छा, इसके अंदर मैं ब्लैक ऑलिव डालूंगी। ठीक है, ये ब्लैक ऑलिव आ गए। हेलेपिनो, यू कैन ऑल्सो एड मशरूम एज पर योर चॉइस। बहुत हेल्दी सैलेड बन गई। हाँ। स्वीट कॉर्न सही है। ओके, स्वीट कॉर्न आ गए। ठीक, और हमारे पास पाइनएप्पल एंड क्रोटॉन्स भी। ये हमारे पास क्रोटॉन्स हैं। सही है। अच्छा, इसके अंदर अब मैंने सीजनिंग की है ब्लैक पेपर सॉल्ट की। अच्छा, टेस्ट के लिए। अच्छा, ताकि वो अलग से मुंह में आए तो फ्लेवर के साथ। फ्लेवर के साथ सही है। चलो जी, ये भी फ्राई कर लेते हैं साथ में। सारी कर लेती हूँ जितने पैकेट। अच्छा, आ गई हमारी क्रीमर। इसके अंदर मैंने पाइनएप्पल डाले। सब चीज़ें इकट्ठी मिक्स करें। इसकी ड्रेसिंग अभी बनाओगी? इसकी ड्रेसिंग बनेगी। भाई साहब, आप तो ये कढ़ाई खाती रहती होगी वहाँ पे? हाँ हाँ, बनती रहती है। बनती रहती है ना, खा खा के थक गई होगी अभी बस। आपको खाने में क्या पसंद है? मैं तो ज़्यादा दाल ही खाता हूँ। इतनी कढ़ाइयाँ बना कर खिला कर खुद दाल खाते हैं? खुद दाल ही खाते हैं। हाँ सही है, दाल सब्जी। दिस इज पार्सले। ठीक है, पार्सले। पार्सले हमारा अरोमा के लिए सही है, फ्रेश है। अच्छा, बिल्कुल ड्राई करना है इसको। ठीक है, फॉइल के अंदर रख के। तो इससे ये होगा कि हमारी इसका जो अरोमा होता है ना, वो फ्रेश का एक अलग होता है। अलग है, बिल्कुल। ड्राई का वो होता है कि लॉन्ग लास्टिंग चलता है। अब रेस्टोरेंट के अंदर अब जब आपको चीज़ें रखनी होती है, उसके आपने स्टोरेज का भी ध्यान रखना होता है, वरना फिर आपकी मसले हो जाते हैं। ठीक है, और इसकी ड्रेसिंग में क्या क्या ले रही हो? इसकी ड्रेसिंग के अंदर मैं ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में? ऑलिव ऑयल में वही जैसे एक सिंपल? नहीं, इसकी थोड़ी सी अलग होगी। अच्छा, इसके अंदर मैंने रोस्टेड रोज मैरी इस्तेमाल किया है। ये खुद से रोस्ट करती है उसको? रोस्ट किया है। हाँ, और थोड़ा इसको रोस्ट किया है और उसको हल्का सा इसके अंदर सॉल्ट लगाया है। अच्छा, तो रोजमेरी हर्ब आपको मिलता है, वो आप इटालियनों का भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप उसको थोड़ा सा सॉल्ट के साथ रोस्ट कर और पीस लें थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा, तो ये जाएगा ऑलिव ऑयल, रोजमेरी रोस्टेड और ऑयल जाके इसमें लेमन जूस चला जाएगा। लेमन जूस, उसके बाद इसकी सीजनिंग हो जाएगी। सही है जी, यहाँ पे नगेट्स भी हो रहे हैं। एक और ब्रेक आ रही है, तब तक रखेंगे। हाँ। कुछ ऐड नहीं कीजिएगा? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, बस इसमें अभी दो तीन मिनट लगेंगे बस। आप हम जैसे ब्रेक आएंगे फिर सारी चीज़ें हम आपके सामने ही करेंगे, क्योंकि लोग बड़ा फॉलो कर रहे हैं आपकी कढ़ाई को, खास ना देखना चाह रहे हैं। सही है जी, यहाँ पर फायज़ा अपनी ड्रेसिंग यहाँ पर बना रही हैं, अपना ऑलिव ऑयल लेके, उसमें रोस्टेड रोजमेरी है और उसमें लेमन जूस है। लेमन जूस है, ये हमारी सैलेड भी तैयार हो जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। देर हो गई, इतने मज़े के खाने बने और किरण ने अभी तक कुछ भी नहीं चखा है। फायज़ा ने सैलेड भी तैयार कर दी है, मोनसलवा के चिकन नगेट्स हमने फ्राई किए हैं और ऊपर से आप चाहें तो कट करके भी डाल सकते हैं, नहीं तो एज़ इट इज़ डालिए। हाँ जी, अब आ जाएं इसकी फिनिशिंग पर। ये अब कर लें आप चूल्हा ऑन, हम आ गए वापस। करें ना ज़रा ये इलेक्ट्रिक वाला भी, तो आप कोयले में बनाते हैं ये रेस्टोरेंट में? नहीं, मैं खोल लेती हूँ। है ना, वहाँ पे तो आप लोग कोयले पे बना रहे हैं? जी, कोयले पे। सही है, तो वो कोयले का एक अपना। अच्छा, ये शक्ल आप लोग देख लीजिए, सिर्फ हरी मिर्चें आपने डाली थी और अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट था वो डालकर सिर्फ कुक किया है। ऑयल आप लोग अभी भी देख रहे हैं उतना ही है। अब हम ले लेंगे एक अदद ये छन्नी। सही है, इसको किसी भी बर्तन में आप रख सकते हैं। हाँ, इसको रखने के बाद अब इसका ऑयल जो है वो वापस निकाल दिया जाएगा। मैंने सुना आप कढ़ाई को खूब घुमाते हैं वहाँ रेस्टोरेंट में। अल्हम्दुलिल्लाह, जोर जोर से ऐसे ऐसे तेजी से घुमाते हैं। वाह भाई। अच्छा, ये गया एक्सेस ऑयल। अब इसमें जो मसाले डालेंगे आखिरी के, वो असल हैं, वो भी आप लोग देख लें।
अब इसका चूल्हा बिल्कुल हमने स्लो कर देना है। अच्छा, अब बिल्कुल गल गई है, टिक्के के पीसेस जो हैं वो तभी मज़ा देगा जी। अब इसमें हमने सबसे पहले नींबू काट के वो इसको लगाना है। ठीक है, इसका रस जो है, क्योंकि बलोची तिक्का कढ़ाई जो है वो ज़रा खट्टेपन में बनती है। अच्छा जी, ये क्या नींबू, जो इसकी असल रेसिपी है। ठीक है, इसका रस निकाल कर हम डाल रहे हैं। इसका रस निकाल के इसके सब पीस को अपने इस तरह इसको पलटी भी कर सकते हैं। अच्छा, सही है, आगे पीछे जी। और चूल्हा है बिल्कुल हल्की आंच, बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है, क्योंकि आपके टिक्के अभी बिल्कुल गल गए हैं। हाँ, ये आए हैं आपने इसको बिल्कुल, ये आपका लहसुन अदरक जो है वो भी पक गया है। लहसुन अदरक और मिर्ची को इस तरह ब्राउन करना है कि ज़्यादा वो जलने में भी ना आए। ठीक है, ये पता टिक्का भी आप लोग जब बनाएं ऐसे ही बनाएं, वो इतना जूसी है। अब ये जो है ये का कढ़ाई मसाला है। ठीक है, सबसे पहले आपने ये लगाना है इसके ऊपर। अच्छा, इसमें भी कढ़ाई मसाला, कढ़ाई मसाला ही लगेगा। ठीक है, और लेना भूलने जाना याद रखना। देखें, आपको हमने ये भी बता दिया ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल वैसी बने, वो खुशबू आ रही है ना। कहीं सस्ते में दूसरा ले लो तो बोलो वो चीज़ नहीं बनी। सही है, और ये खूब सारा दोनों साइड पर, वेरी गुड। ये गया नींबू और ये मसाला। हल्की सी जो है ना आपने ऊपर से काली मिर्ची डाल देनी है। अच्छा, ये वही काली मिर्च है जिसमें पिसी हुई और कुटी हुई शामिल है। ठीक है, ये आपकी होगी बलोची चिकन टिक्का। ओए जबरदस्त। अब इसमें थोड़ा सा आप धनिया ऐड कर देंगे। क्या बात है। अब वही जो लहसुन अदरक और मिर्ची आपने वापस निकाली थी वो भी इसमें। ठीक है, जो छलनी में तेल को छान के आए हैं। हल्की सी आप दही लगा देंगे सेटों से। ये तुसी छा गए सलीम साहब, जबरदस्त, मज़ा आ गया भाई। अच्छा, ये दही का पतला पेस्ट। अब इसके ऊपर हम अदरक ऐड कर देंगे। हाँ, अब कटे हुए स्लाइस में नींबू आपने ये आपने ऐड करने हैं। ओए ओए, ये और ढक के रखेंगे जी। ये अब इसको जो है ना, ये अब हल्का सा ऊपर से, और ये कढ़ाई मसाला नहीं भूलना आप। ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। बलोची टिक्का कढ़ाई तैयार। वेरी गुड जी, यहाँ पर हम ज़रा आपको बता दें, दी लाउंज के ओनर भी हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ के मैनेजर एक तो उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप भाई? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमारे व्यूअर्स की तो ईद हो गई, इतने मज़े की कढ़ाई सिखाई है ना सलीम साहब ने। ये चैंपियन है माशाल्लाह, इनकी कढ़ाई वहाँ पर सब बहुत पसंद करते हैं। या आपने कहाँ से इनको ढूंढ लिया इतने? ये बस ये डिस्कवर हुए हैं, मतलब ये थोड़ा वक्त लगाए। देखें, हमने जब रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था तो ना मेरा एक्सपीरियंस था ना मेरे पार्टनर आतिफ है उनका एक्सपीरियंस। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम है कि हम जो है वो रेस्टोरेंट हॉस्पिटैलिटी में हम कूदे। तो पहले कुछ लोगों को रखा हमने, ये ग्रेजुअल प्रोसेस था, इवॉल्व हुआ, एंड देन वी फाउंड सलीम, एंड माशाल्लाह ही इज बीन डूइंग रियली गुड। नहीं नहीं, वाकई में यहाँ पर उनका बताने का तरीका, और आई एम श्योर खाना अभी नान भी आ गए, मैं जरा टेस्ट करती हूँ। लेकिन ये आपके लाउंज के बारे में थोड़ा सा बताएगा, दी लाउंज साल पहले आपने किया, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल आउटडोर, बैठने का इनडोर आपने सारा मुझे वो दिखाया था, वीडियो बहुत अच्छा बना हुआ है। आउटडोर को हमने ज्यादा फोकस किया हुआ है, और हमारे पास तकरीबन समझ लेंगे 300 लोगों की कैपेसिटी है। फैमिली एरिया अलग रखा हुआ है हमने, ताकि फैमिलीज बहुत आराम से पीसफुली वहाँ पे बैठ सकें। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि बिल्कुल शहर के बीच में है। हाँ, ये एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है? ये है केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, कश्मीर रोड के ऊपर जो है वो गेट नंबर 1 में मौजूद है। अच्छा, और बहुत सारी पार्किंग है हमारे पास, पार्किंग का इशू नहीं होता, आप अंदर बैठ सकते हैं, किसी किस्म की ये परेशानी नहीं। इनफैक्ट लैपटॉप लेके बैठ सकते हैं आप, काम कर सकते हैं वहाँ पर। तो बहुत अच्छा फैमिली इन्वायरमेंट है। हमने वहाँ पर समझने के सीजनल पूल तकरीबन 400-500 के करीब सीजनल पूल रखे हुए हैं। हमारा बहुत ही नेचुरल इन्वायरमेंट हमने क्रिएट किया, वैसे इसीलिए किया हुआ है कि शहर के बीचों बीच आपको इतनी पीसफुल प्लेस आपको शायद नहीं मिल सके। इवेंट्स वगैरह भी आप लोग वहाँ पर इवेंट्स भी होते हैं हमारे पास, लार्ज गैदरिंग्स होती हैं हमारे पास जो ग्राउंड लेवल है हमारा, उसके अंदर रेस्टोरेंट के साथ साथ हम लोग बर्थडे इवेंट्स इवनिंग के अंदर वो भी देते हैं, रात में भी हम लोग देते हैं। उसके अलावा हमारी अंदर की 100 लोगों की कैपेसिटी है। अच्छा, एक तो ये कि आप सबसे पहले अपना फेसबुक पेज दिखा बताइए, ताकि लोग जो है वो फेसबुक पे जाकर जो है वो जरा चेक करें आपके वहाँ का रेस्टोरेंट। देखिए, हमारी फेसबुक का जो पेज है वो है फेसबुक द लाउंज रेस्टोरेंट।
ठीक है। और इंस्टाग्राम के ऊपर है द लाउंज कराची। अच्छा, तो वो आप अगर सर्च करेंगे तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा। इनफैक्ट हम उसको काफ़ी गूगल पे भी हमारा बिजनेस पेज बना हुआ है, उस पर भी काफ़ी हम अपडेट्स वगैरह करते रहते हैं, फोटोग्राफ्स वगैरह डालते रहते हैं। वेरी गुड। तो अच्छा, उसके अलावा हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर तकरीबन 250 लोगों की कैपेसिटी है, वहाँ पे भी बहुत अच्छे इवेंट्स होते हैं। काफी बड़े उस पर आपने वो जी, इट्स अ वेरी वेरी बिग प्लेस अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब आप आएंगी इंशाल्लाह अपने टीम के साथ तो फिर आपको पहले तो ये बताएं, आज जो लोग आएंगे और आज या कल में और लाइवली वीकेंड्स का रेफरेंस देंगे तो उनको थोड़ा सा डिस्काउंट दे दें ताकि लोग और खिंचे चले आए। 10% फ्लैट डिस्काउंट ऑन एवरीथिंग, जो भी आएगा लाइवली वीकेंड देखकर तो उनको जो है वो हम 10% डिस्काउंट देंगे। जाइए जरा दी लाउंज, और इन्होंने रास्ता भी आपको बताया, एग्जैक्ट लोकेशन बताई है, आप इनका फेसबुक पेज भी चेक कीजिए। कश्मीर रोड पर है, KMC कॉम्प्लेक्स के अंदर Gate 1 पे जाइए एंड यू विल एंजॉय देयर फूड। आज तो मैं इसको जरा एंजॉय करती हूँ। एक ब्रेक आ रही है, अच्छा ठीक है, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर मैं आपको जरा टेस्ट करके भी दिखाती हूँ। एंड आई एम जस्ट डाइंग टू टेस्ट दिस शनवारी कढ़ाई। आप लोग ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद फिर हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात। बलोची टिक्का, अज्जा चिकन 700 से 750 ग्राम, तेल 1 कप, लहसुन 150 ग्राम, अदरक 3 इंच का टुकड़ा, साबित हरी मिर्च 7 से 8 अदद, कटी हरी मिर्च 3 खाने के चमचे, नींबू का रस 4 से 5 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 1 कप। तरकीब, लहसुन अदरक और हरे धनिया को बारीक काट लें, पैन में तेल गर्म करके लहसुन फ्राई करें, फिर साबित हरी मिर्च डालकर पकाएं, उसके बाद चिकन शामिल करके 5 मिनट मजीद पका लें, फिर कटी हरी मिर्च और नींबू का रस डाल के 10 मिनट पकने दें। अब अदरक और धनिया डालकर 1 मिनट मजीद पकाएं, उसके बाद पिसा गर्म मसाला और नमक शामिल करके ढककर 5 से 7 मिनट तक पका लें। कोयला कड़ाही, अज्जा मटन 1 किलो, पिसे टमाटर 1/2 किलो, दही 6 खाने के चमचे, हरी मिर्च 4 अदद, अदरक जूलियन 50 ग्राम, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल 1/2 कप, हरा धनिया मुट्ठी भर। तरकीब, मटन को 3 गिलास पानी के साथ उबालें, अब पैन में तेल गर्म करके हरी मिर्च और उबला मटन डालकर फ्राई करें, फिर कुटी काली मिर्च, पिसी लाल मिर्च, पिसा गर्म मसाला, दही, टमाटर और मटन स्टॉक शामिल करके मिक्स कर लें और दरमियानी आंच पर तेल अलग होने तक पकाएं। आखिर में हरा धनिया और अदरक डाल के 4 मिनट दम दें। मिल्क चॉकलेट केक, अज्जा मिल्क चॉकलेट केक मिक्स 1 पैकेट, दूध या पानी 1/1 कप, मक्खन 1/1 कप, अंडे 3 अदद, तेल हसबे ज़रूरत। तरकीब, बोल में केक मिक्स, दूध या पानी, तेल और अंडों को फेंट लें, फिर से मजीद 2 मिनट फेंटें। अब 13x9 इंच के पैन को मक्खन से ग्रीस करके बैटर को पैन में भरें, अवन को पहले से गर्म अवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें, फिर 25 से 30 मिनट के लिए बेक कर लें, आखिर में वायर रैक पे निकाल के मुकम्मल ठंडा करें। बलोची टिक्का, अज्जा चिकन 700 से 750 ग्राम, तेल 1 कप, लहसुन 150 ग्राम, अदरक 3 इंच का टुकड़ा, साबित हरी मिर्च 7 से 8 अदद, कटी हरी मिर्च 3 खाने के चमचे, नींबू का रस 4 से 5 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 1 कप। भाई मैं जितनी तारीफ करूँ ना वो कम है, आज जो मैंने खाया है और सीखा है ज़बरदस्त है भाई, टू गुड, रियली नाइस। सलीम साहब आपने कमाल किया, कढ़ाई का एक अलग फ्लेवर, बोटी गली हुई, मसाला और खुशबू और सारी चीज़ें उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट बताई, और ये तो मैंने फर्स्ट टाइम खाया है। मैं तो कहूँ आप टिक्का विक्का, आप सही कह रहे हैं, ये खाने वाले मछली भूल जाएंगे, मछली भूल जाएंगे, मछली भूल जाएंगे, इतने मज़े का इन्होंने ये बनाया है ना। चिकन इतनी गली हुई है, मैंने खास पीस ये रखा, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट, और ऊपर से मसाला आपने डाला, दही डाला, सारा इतना कोई जूसी फ्लेवर आया, बहुत मज़े का। मतलब आप लोग जो घर में अगर सीख रहे हैं घर में ट्राई करें, नहीं तो दी लाउंज ज़रूर जाइए।
और अच्छे से इन्वायरमेंट में आपको बड़ा मज़ा आएगा। मैं ज़रा आपसे पूछना चाहूँगी कि टाइमिंग्स क्या हैं दी लाउंज के, कि सिर्फ रात ही में खुला हुआ होता है, क्या है? हमारी टाइमिंग जो है वो इवनिंग में 4:30-4 बजे से हम लोग हमारे ऑपरेशन स्टार्ट हो जाते हैं और फिर आजकल तो कोविड की वजह से 10 बजे की क्लोजिंग टाइमिंग है। अच्छा, सही है। तो हमारे पास चाय भी है। अच्छा। हमारे पास स्टफ पराठे हैं। अच्छा। स्टफ पराठियों में हमारे पास तकरीबन कोई 20 या 21 किस्म के हमने पराठे रखे हुए। अच्छा, तो वो शाम से शुरू है? वो शाम से वो इस सेगमेंट शुरू हो जाते हैं। कोयला चाय वगैरह जी जी सब 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 हमारे पास तकरीबन 12 टाइप्स की जो हमने चाय रखी हुई है, उसमें कोयला चाय भी है, उसमें मटका चाय भी है, उसमें ज़ाफ़रानी चाय भी है, उसमें चॉकलेट चाय भी है। अल्लाह, तो दिल चाह रहा है जाने का। मैं भी आ रही हूँ आपके रेस्टोरेंट जरूर अपनी फैमिली को लेके। मेरी फैमिली बहुत शौकीन है असल में बाहर खाने के ना, तो उनको तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी और उनको भी अच्छा सा डिस्काउंट दे दीजिएगा। और इन्होंने आज अनाउंस कर दिया है कि लाइवली वीकेंड्स का रेफरेंस जो देगा उनको 10% ऑफ दिया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर जाएँ दी लाउंज और ये तो ज़रूर खाएँ। तो ये जब आप लोग कढ़ाई में सर्व करते तो ये कितने पीस होते हैं सलीम साहब? आप एक कढ़ाई जैसे हम किलो के हिसाब से होता है क्या होता है इसका? टिक्के का हिसाब होता है। फुल कढ़ाई में जो है वो 4 टिक्के होते हैं। अच्छा। अगर आप हाफ लेंगे तो उसमें 2 टिक्के होंगे। आराम से 3 बंदे 2 टिक्के आराम से खा सकते हैं क्योंकि बहुत मज़ेदार है। और ये हाफ कढ़ाई ऑर्डर करें तो 2 बंदे इंजॉय कर सकते हैं। और गरम गरम नान, बिल्कुल गरम गरम नान। आपको एक और बात ऐड करूं? हाँ, बताइए। इस वक्त कराची के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट जो कढ़ाइयाँ सर्व कर रहे हैं और दीगर आइटम जो बारबेक्यू हो गया या चाइनीज या फास्ट फूड, हम लोगों की जो रेट्स हम लोगों ने जो रखे हैं अपने मेन्यू के अंदर वो मार्केट में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं तो हम तो इस चीज़ का एश्योर कर रहे हैं कि उससे जो है वो 30% to 25% to 30% जो हम लेस रेट्स में हम लोग सर्व कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास 4 पर्सन की फैमिली आती है तो वो 1500 to 2000 में उनका पूरा डिनर हो जाता है। अच्छा, वेरी गुड। क्या चीज़? अच्छा, ये ज़रा आप लोग रेस्टोरेंट भी देखिए, हम थोड़ा सा आपका फुटेज वो दिखा रहे हैं। ब्यूटीफुल सेटअप है और रात में शाम में तो ये अलग ही लुक देता होगा। नहीं, आई थिंक इट्स अ मस्ट विजिट रेस्टोरेंट, जैसे मस्ट बोलते हैं ना कि ये मस्ट ट्राई रेसिपी है, तो ये आप लोग ज़रूर ट्राई करें। मैं जाते जाते आप कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, तो ज़रूर बिल्कुल आइए। शाम को 4 बजे से फिर हम मिड नाइट तक हमारा ऑपरेशन रहते हैं, तो आइए एंजॉय करें। हर तरह का खाना हमारे पास मौजूद है। लग नहीं रहा है कि कराची में है ना ये रेस्टोरेंट का जो लुक आपने दिया हुआ है। जी जी, बहुत कोशिश की हमने, कोशिश की। वेरी नाइस एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच फायजा, आपने भी ये किया। आपके लिए तो हम ये नादो सैलून का दे रहे हैं, आप अपनी सर्विसेज जाके करवा सकती हैं यहाँ पर। एंड सलीम साहब, आपके लिए एनएक्स का तोहफा है, ठीक है? वो आपके साथ जाएगा, आपको हमारी याद दिलाएगा और फिर आएंगे मेरे शो पर। आप फिर क्या सिखाएंगे? जो आप पसंद करेंगे नहीं, जो आप बताएंगे हम तो सभी पसंद करेंगे। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बना लेता हूँ, जो आप बनाएंगे मैं वही बना लूँगा। बस सही है। तो फिर या तो हम वहाँ आकर सीख लेंगे। आप वहाँ पर आइए। हाँ। आप वहाँ पे मेन्यू में पहले आप नई चीज़ भी ट्राई करें और फिर जो आपको पसंद आए सलीम आपको वो फिर बना के दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आज का शो अगर मिस हो गया हो आपसे, प्लीज़ 5 बजे ज़रूर देखिएगा। और ये वो दोनों कढ़ाइयाँ जो हैं ये आपने ट्राई करनी है, घर पे कीजिए नहीं तो वहाँ जाकर कीजिए द लाउंज पे और इन्जॉय कीजिए। आप वाकई में इन्जॉय करेंगे, हर कोई तारीफ़ करेगा जब आप इसी तरीके से जैसे सलीम साहब ने बताया, जो पैकेट बताया है वैसा ही इस्तेमाल करना है। अब इंशाल्लाह हम आपसे कल मुलाकात करेंगे नए मेहमान और नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अच्छी अच्छी बातें जो सुनते हैं, नॉलेज जो लेते हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करें और एक्सपीरियंस करें अपनी ज़िंदगी में। खुदा हाफ़िज़। Lively Weekends.